तो फ्रेंड ये बजाज पलेटिना बाइक है, सेल्फ स्टार्ट 100 cc। इसमें एक प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम क्या, 50 से ऊपर जाने से अप एंड डाउन मरता है, झटका मरता है। हम लोग कार्बोरेटर पहले फिल्टर भी साफ किए, सिर्फ फिल्टर साफ करके चलाए, नहीं हुआ तो आप क्या कहें, कार्बोरेटर खुल दे। कार्बोरेटर का पिन अभी साफ सुथरा करते। तो फिर इसका जो प्रॉब्लम था, ये जो जेट और सोलो जेट में तेल सप्लाई होता है, इसमें कचरा हो गया था, हल्का हल्का तेल पास हो रहा था। आप जो है क्लियर कर दे, एक वायरिंग तार ले ऐसा, वायर से हम लोग क्लियर कर दिया, तार घुसा अंदर इधर। देखिए फ्रेंड्स आ गया, तो आप इन डाउन करो तो देखे ये क्लियर, ऐसे हम लोग क्लियर करते, नहीं तो हवा भी मरते। निकाल दो, तो पहले बहुत ही जाम था, तो बार बार कोशिश करने का बाद ये सॉल्व हो गया। तब फंसा दे इसमें लगा, तो फिर जो झटका मारने का जो रीजन था मेन, यही प्रॉब्लम था 100%। फुलट फसा इत्यादि देखे, कार्बन का बाटी फंस गया। अभी दो स्क्रू होता है वो फंसा देता। फुल टाइट कर दो, हो गया ना टाइट। तो फ्रेंड्स टाइट हो गया, तो फ्रेंड्स आप सलट को फंसा देते, चलो जल्दी टाइट करो। जल्दी टाइट करो, जल्दी फंसाओ कर बेटा। अभी इसमें हॉटस्पॉट में फंस गया, अब फंसा हुआ सब, ये पाइप फंसा तो ये पाइप फंसा। इंसुलेटर पैकिंग को भी फंसा देता, तो फिर इसका जो मेन प्रॉब्लम था वो झटका का प्रॉब्लम था, अप एंड डाउन करता था, जैसे लगते तेल खत्म होने वाला है, तेल खत्म है ही नहीं, खत्म हो गया, ऐसे अप एंड डाउन करता है। जैसे तेल खत्म होने से पहले 2-4 सेकंड पहले जैसा अप एंड डाउन करता है, वैसा ही सेम प्रॉब्लम, इसमें तेल है ही है। पहले वॉश कर दे, वॉश करने के बाद एयर फिल्टर साफ किए पेट्रोल से, तब चलाए, फिर नहीं हुआ तब फिर कार्बोरेटर खुले। इस तरफ टाइट हो गया, तो फिर इसका काम जो है कंप्लीट होगा। अब स्टार्ट करते हैं, तो फिर अब चला के भी देख लेते प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या है ये। तो फ्रेंड्स ये हम लोग ट्रायल भी किए,
बिल्कुल सही हो गया। आप इसका क्या करेंगे, तो जो है साइड पैनल फंसा देते हैं, इसको हम लोग अभी फंसा देंगे। तो फिर साइड पैनल भी लग चुका। इसका जो मेन प्रॉब्लम था वो कार्बोरेटर का सोलर में कचरा आ गया था, इसलिए अप एंड डाउन का प्रॉब्लम शुरू हो गया था, तो सॉल्व हो गया। तो जो अप एंड डाउन का झटका का प्रॉब्लम, तो फ्रेंड्स खाली कार्बोरेटर से नहीं होता है, पलक से भी होता है, बहुत रीजन होता है ये होने का, झटका मारने का। कोयल भी खराब, सीडीआई भी फॉल्ट होगा, वो भी होगा, जैसे इग्निशन कोयल खराब होने से भी होगा, पलक खराब होने से भी अप एंड डाउन का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। इसका कार्बोरेटर से ही था प्रॉब्लम था, तो सॉल्व हो गया। ऐसा नहीं है हर गाड़ी का जो झटका का प्रॉब्लम है वो सिर्फ कार्बोरेटर से ही होगा, वैसा कोई बात नहीं है, पलक से भी होता है। इसका कार्बोरेटर का प्रॉब्लम था, कार्बोरेटर स्लॉट में सोलोजेट में कैसे आ गया था। अभी स्टार भी है भाई, ये कंप्लीट हो चुका। अगर ये वीडियो आप लोग का अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिएगा।